देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। 3 तरीक नूं गल होई, 5 तरीक नूं गल होई तोमर जी नाल, 8 तरीक नूं होई गृह मंत्री नाल। की इह थुक के चट्टण वाली गल नहीं, शर्म आउंदी इहनां नूं इह गल कहिंदे। 80 साल दा मैं इक आ, बाकी सारे नौजवान। इह नौजवानी जोश दे नाल होश नूं कंट्रोल करके सारी रात पहरा दिंदी आ। ये जिहड़े लोग ने ते कहिंदे ने कानून तुहाडे हक च नहीं, पर पढ़ो तुसीं मन्ने क्यों, तुसीं मन के फिर मुकरदे हो। अज किसानी अंदोलन का 28वां दिन शुरू हो चुका है, तो लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। तो किसानों वालों जो संघर्ष है होर तिखा किया जा रहा है, तो जिस दे विच किसानों वालों एक ऐलान किया गया कि सारे देशवासियों को एक टाइम की रोटी छड्डन दा। साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने सिरसा साहब। सिरसा साहब गलबात करांगे, सिरसा साहब किस तरह अज 23 तरीक है तो अज मनाया जा रहा शहीदी दिहाड़ा किसानी दिहाड़ा भी मनाया जा रहा, तो अगे का संघर्ष किदां दा होर तिखा किया जा रहा? देखो इत्थे सानू अज महीना हो गया बैठा, इत्थे गुरु नानक पातशाह का आगमन पुरब आया, असी वह भी मनाया। इत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह का शहीदी जोड़ मेला आया, असी वह भी मनाया। वड्डे साहबजादों का शहीदी जोड़ मेला मनाया जा रहा, छोटे साहबजादों का शहीदी जोड़ मेला भी मनाया जा रहा। माता गुजर कौर सारी, वह सारे इस इतिहास ना, साढ़े इतिहास का एक बहुत वड्डा एक मार्गदर्शन, छोटे बजुर्गों तो लैके छोटे बच्चों तक, कि किस तरह जुल्म के खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह के लखते जिगर चारों साहबजादे, वो किस तरह दो जंग के मैदान शहीद होंदे ने और दो नीहां दे विच चिणे जांदे ने। माता गुजर कौर जी किस तरह शहादत देंदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी तो निकल के किस तरह वो जिहड़ा माछूवाड़ के जंगलों के विचों दी होंदे हुए कांगड़े आ के उस जालम बादशाह औरंगे नूं जिहड़ी आ उह चिट्ठी लिखदे ने, जिन्हों जफरनामा कहा जाता, जित की चिट्ठी कहा जाता, वो किस तरह लिखते हैं, वो साढ़े वास्ते एक जड़ा वो इतिहास है, जिस इतिहास के उत्ते असं जाने, क्योंकि इतने आम कहावत है, ये सच्ची है कि पंजाब वसदा गुरों के नाम से, यह तो साडा पंजाब नाल संबंध है। पर अज साडा ये जड़ा संघर्ष चल रहा है, ये कल्ले पंजाब नाल संबंधित नहीं, ये हरियाणा राजस्थान केरला आंध्रा यूपी और समुचे तमिल बंगाल, ये सारे भाव पूरे देश का अगे चले जाओ, ये पूरे संसार का ये संघर्ष बन गया। इस करके ये दिवस जड़े ने असी सारे मना रहे हैं, तो सरकार वालों सानू जड़ियां एक भुलेखा पाऊ लोगों के मीडिया सानू बदनाम करने लई एक ड्रामे किए जा रहे हैं, चिट्ठियां भी आ रही ने जिदे संबंध साडी मीटिंग भी आ, तो उस चिट्ठी का जड़ा जवाब भी असी देना है। इस तरह सिरसा साहब देखा जाए, कल खेतीबाड़ी मंत्री वालों बयान दिता गया कि नवे कृषि जिहड़े बिल ने कानून ने यह नवे युग का है, नवे युग का आगाज़ ने, दोबारा तो फिर उही गल्लां। जिदन 3 तरीक नूं गल होई, 5 तरीक नूं गल होई तोमर जी नाल, 8 तरीक नूं होई गृह मंत्री नाल, की इह थुक के चट्टण वाली गल नहीं, शर्म आउंदी इहनां नूं इह गल कहिंदिया। मैं शर्म महसूस करदा हां भी इहनां लोकां ते, मैं इह सवाल कर रहा, पर क्यों कर रहा? दुखी मन तो यार निकलदे, की करिए असीं? आ जिहड़े मासूम बच्चे इत्थे साडे बैठे ने, साडियां बजुर्ग औरतां बैठियां ने, साडियां नौजवान बच्चियां बैठियां ने, साडे नौजवान जिहड़े कि इस टाइम ते इस संघर्ष दा 75 तों 80% आ, तुसीं सारे इत्थे कैमरा घुमा लो, मैं कैमरे वाले वीर नूं कहांगा कि 4 चफेरे कैमरा घुमाओ। आज मेरे 4 चफेरे खलोते ने, इस नौजवान किन्ने ते बजुर्ग किन्ने ने, 80 साल दा कल्ला ही आ, बाकी कोई भी 80 साल दा नहीं हैगा, कोई ज़्यादा 20-25 साल दे, कोई 40 साल दा, 50 साल दा, 60 साल तो उत्ते कोई नहीं, 80 साल का मैं एक क्या, बाकी सारे नौजवान। ये नौजवानी जोश दे नाल होश नूं कंट्रोल करके सारी रात पहरा दिंदी आ, ते ये जिहड़े लोग ने ये कहिंदे ने कानून तुहाडे हक च ने, ओह पढ़ो तुसीं मन्ने क्यों, तुसीं मन के फिर मुकरदे हो, ते की ये थोके चढ़ने वाली गल नहीं? सो इस करके दुखी मन तो निकल गया कि साडे मंत्रियों की सोच ते इहनां दी अकल ते सानू जिथे हादसा आउंदा उत्थे तरस भी आउंदा भई देश साडे देश दे लोकां ने किहो जिहे लोग MP चुने ते जिन्हां नूं मुड़ के उहनां MP ने मंत्री बनाया, जिहड़े शाम नूं गिरकट तरां रंग बदलदे आ, सवेरे कुछ बयान दिता, दुपहरे कुछ बयान दिता, शाम नूं कुछ होर बयान दिता। सो इन्हां लोकां ते तरस आउंदा, ये मंत्री शंतरी कुछ नहीं। सिरसा साहब देखा जाए, कांग्रेस पार्टी वालों हुण जिहड़े राहुल गांधी ने उन्हां दी टीम वालों
दोबारा तो मिलन जाना है राष्ट्रपति नूं। 2 करोड़ लोगों के उन्हों का दावा है कि 2 करोड़ लोगों ने साइन करवा के खेती बिलों नूं वापस कराने की गल की जानी, की समझते? ड्रामा किनू कहिंदे? ड्रामेबाज कौन हुंदे ने? अज दे राजनीतिक ड्रामेबाज ने, ये ड्रामे कर रहे ने। इन्हों का मतलब यह भी असी भुलेखा पा के असी 2 करोड़ लोगों ने साइन किए, तुसी अज तक साढ़े नाल रेलों पर बैठे हो पटड़ियां, साढ़े नाल एक महीने तो इतने ही बैठे हाँ, साढ़े नाल आके भी बैठा। साड़ी इको शर्त है, कहिंदे सानू बड़े फोन आउंदे आ, अहीं जी आउणे आ, आ जाओ तुसी बैठो थले आके, झंडा नहीं होएगा बिना झंडे तो, इत्थे आके बैठो, कोई नहीं तुहानू रोकेगा, कोई तुहानू सिक्योरिटियां दी लोड़ नहीं। पर जे तुसी ड्रामे करोगे ते ए ड्रामे बाजो, तुसां हुण तक देश दे लोकां दा घाण कराता, कदे तुसी हिंदू ते मुसलमान दा झगड़ा कराया, कदे हिंदू ते सिख दा झगड़ा कराया, कदे तुसी क्रिश्चन दे वार कीते, तुसी हुण तक बहुत कुछ कर लिया, ड्रामे बाजो, ड्रामे बाजियां छड़ दो, एक उस ड्रामे का एक हिस्सा है। आखिरी सवाल, कि कल ऐलान किया गया कि सारे देश दी अंबैसियां दे बाहर भी प्रदर्शन किए जाएंगे, देखो अजे तुसी अगे अगे वेखो की होंगा, बहुत कुछ होएगा। साडे देश विदेशों च बैठे साडे भरा सानू इको गल कह रहे, वेखो किते थिड़क ना जायो, असी तुहाडे पिछे हाँ। असी उन्हां नूं की कहने हैं? असी तुसी थिड़कण दी गल करदे हो, असी चट्टान वांग खलोते हाँ, असी विकांगे नहीं, झुकांगे नहीं, असी छातियां ताण के अगे खलोते हाँ, असी उन्हां नूं भरोसा दवाउणे हाँ, असी इह सरकारां तों डरन वाले नहीं। और तुसी वेखो साडे अगे निहंग सिंह जथे बैठे हन, और किन्नी सहनशीलता च बैठे ने, वो एक विरसे नूं लै के बैठे ने, इस तरह इत्थे बैठे ने। साडे जाट वीर आ वेखो, इत्थे उन्हां दी महफल लगी आ, वह हुक्का पी रहे ने। असी उन्हां नूं रोक, एक दिन किसे साडे विचों कहता भई तुसी भाई ये हुक्का क्यों पी रहे हो, इत्थे उधर चल जाओ, मैनू मिले, वह कहन लगे सानू इतना रोकिया। मैं कहा क्यों? बिल्कुल नहीं, ये तुहाडा सभ्याचार है, तुहाडा विरसा है, ये तुहाडा एक तुहाडी मान मर्यादा चली आ रही है, तुहाडी हिंदू धर्म की जो मर्यादा है, जो जाट लोग जिहड़े ने पेंडू लोग ने उन्हां दी एक मान मर्यादा, जदों कोई बटाऊ उन्हां दे जांदा है, बटाऊ समझदे हो तुसीं, बटाऊ जांदा है तो सब तो पहला पानी बाद च उह का पहला कहिंदे आ, ऐसे उनकी मर्यादा। मैंने उनको समझाया कि आम लोगों हमारे को पता नहीं, जैसे आप लोगों को हमारे झंडे का हमारे निशान का नहीं पता, इसी तरह आम लोगों को इसका नहीं पता, आप करो। सो सारे लोग इसी तरह आगे कार से वाले बाबे बैठे हैं, इसी तरह कितनी लोग हैं, अरे किस किस किस्म का लंगर ला रहे हैं, कोई हमारे पर कैसे इल्ज़ाम ला रहा है, ये पीजे खा रहे हैं, ये फलाना खा रहे हैं। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप ही लोग बोलदिया पंजाबी हिंदी तो चले गया, क्योंकि तुम कहीं कोई हिंदी वाला आ जाता, कोई पंजाबी वाला आ जाता, तो फिर सुई कदे होर चली जाती है। देशवासियों दी नज़रां टिकिया हुई, हिंदी च भी सुनते हैं, पंजाबी च भी, इंग्लिश भी, हर च सुनते हैं, बट सुनने जरूर ने। सो बेनती है कि असी शांतमई अंदोलन शुरू किया, शांतमई चलिया है, शांतमई रहेगा, तो हिक्कां ताण के बैठे हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 20 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 80% ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੁਮੇਲ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ UNO ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤਾਗਰਾ ਸਿੰਘ। ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ 17 ਟਾਈਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਬੇਗਮ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਨਬਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ। ਫ੍ਰੀ 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 ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੋਬਾਈਲ 84374 94648 84374 94648।